हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑटो वर्ल्ड आज आपके लिए हिंडई की तरफ से प्रीमियम हैचबैक हिंडई आई ट्वेंटी को लेकर के हाजिर हैं ये आई ट्वेंटी का ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंट वाला वेरिएंट है इसके अंदर 1.5 लीटर डीजल वाला ये वेरिएंट है इसके अंदर तीन वेरिएंट्स आते हैं स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको जिसमें पहला आपको वन लीटर डीजल दूसरा आपको वन लीटर पेट्रोल और तीसरा आपको वन लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है ये आपका डीजल वाला है जो कि मैक्सिमम 99 bhp बी के पावर और 240 सौ का टॉर्क प्रोड्यूस करता है बहुत ही पावरफुल गाड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त इंजन इसके अंदर रखा गया है उतना ही ज़बरदस्त इंजन के साथ गाड़ी का लुक भी है जैसा आप इसको फ्रंट से देख पा रहे हैं उतनी ज़बरदस्त गाड़ी आपको बैक से देखने में भी लगती है गाड़ी के हर एक एलिमेंट पर काम किया गया है और उतना ही ज़बरदस्त इसके हर एक एलिमेंट को बनाया गया है गाड़ी पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम अब और भी ज़्यादा कर दी गई है जो इसके अंदर प्रीमियम एलिमेंट्स को ऐड किया गया है उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी के वेलकम फीचर की बात करते हैं जिसमें अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो अनलॉक करते ही आपके ओ आर वी एम्स ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे और अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ओ आर वी एम्स ऑटो फोल्ड हो जाएंगे ये आपका एक वेलकम फंक्शन भी गाड़ी का माना जाता है फ्रंट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंडई की प्रीमियम ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है जिसके अंदर बीच में बड़ा सा हिंडे का लोगो रखा गया है नीचे की तरफ नंबर प्लेट और फ्रंट स्किड प्लेट जो है वो भी प्रीमियम ब्लैक फिनिश की रखी गई है उसके अलावा हेडलाइट यूनिट के ऊपर ध्यान दें तो आपको हेलोजन बेस्ड है मैन हेडलैम्प्स के अलावा हेलोजन बेस्ड ही टर्न इंडिकेटर देखने को लगते हैं लेकिन नीचे की तरफ जो डी हैं वो एल टाइप हैं और प्रोजेक्टर टाइप आपके फोगलेम्पस है गाड़ी के अंदर टो हुक यहाँ पर देखने को मिलता है गाड़ी में और पैनल गैप वगैरह जो है वो लिटिल बिट आपको थोड़ा सा यहाँ से देखने को मिलता है उतना ज़्यादा कुछ है नहीं ठीक है तो फ्रंट के बाद में अब बात करते हैं साइड से तो साइड से गाड़ी में जो शार्प लाइन्स है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसी शार्प लाइन्स जो है वो क्वालिटी के बिना नहीं बन सकती जैसे यहाँ से शुरुआत होते हुए हर एक पैनल के अंदर ये शार्प लाइन जो है वो आपको डोमिनेंट दिखेगी और पीछे तक जा रही है तो ऐसे शार्प लाइन के लिए हमेशा क्वालिटी होनी जरूरी है तो उसके अंदर भी गाड़ी आप देख सकते हो बहुत ही जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में उभर के आई है मुझे इसके सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है वो टायर प्रोफाइल है जो टायर प्रोफाइल अगर गाड़ी की बेसिकली बात की जाए तो 195 नाइन्टी फाइव आर सिक्सटीन है यानी कि 195 इसकी विथ है 55 गाड़ी की जो टायर की विथ है और 16 इंच के टोटल हैं सिंगल टोन के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम दिए गए हैं गाड़ी की कुल लंबाई की बात करूं तो सब फोर सेगमेंट में यह आती है जिसके अंदर 3995 एमएम mm की गाड़ी की लंबाई 1775 एमएम mm की चौड़ाई और 2580 एमएम mm के गाड़ी का व्हील बेस है यानी कि गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है अंडर द हुड देखते हैं अंडर द हुड आपको किस प्रकार का डीजल इंजन की जो सेटिंग है वो देखने को मिलते हैं पेट्रोल आपने बहुत बार देखी है लेकिन डीजल को खोल करके बात करते हैं अब बात करते हैं अंडर द हुड इसके अंदर जो आपको 1.5 लीटर ले, डीजल इंजन मिलता है उसके बारे में तो सी आर डी आई सिक्सटीन वोल्ट का ये जो है इंजन मिलता है जिसकी बेजिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंडर द हुड या फिर एम पर आप देख सकते हैं उसके अलावा कहीं भी आपको बेजिंग पेट्रोल या डीजल की देखने को नहीं मिलती है सिर्फ टर्बो को छोड़ करके जो पैकिंग है वो बहुत ही शानदार है इंसुलेशन के साथ ये अंदर की तरफ रखा गया है लेकिन बोनेट के अंदर किसी प्रकार की कोई इंसुलेशन नहीं है सिंपल सा वो रखा गया है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक फोर सिलेंडर डीजल इंजन है तो फोर सिलेंडर डीजल इंजन के हिसाब से इसका एन लेवल और इसकी जो नॉइस है या फिर इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो गाड़ी के अंदर ना के बराबर है तो इंसुलेशन की तो वैसे भी आपको हिंडई की गाड़ियों में कभी रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं तो गाइज हमने कर लिया है गाड़ी के अंदर एंट्री एंट्री करते ही अगर आप की से शुरुआत करते हैं तो गाड़ी के अंदर कुछ इस प्रकार की की मिलती है जिसमें अनलॉक अनलॉक और अगर होल्ड करके रखते हैं तो बूट को खाली रिलीज कर सकते हैं खुलेगा नहीं इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलता है इसके साथ मैनुअल की मिलती है एक प्योर मैनुअल की आपको मिलती है की को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी का कैसा आपको देखने को लगता है तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इतना ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन है जैसे मैं इसको उतार देता हूँ तो अब बात करते हैं एक एक करके इंफॉर्मेशन के बारे में तो गाड़ी के अंदर अलग अलग जैसे यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीड के साथ डिजिटल स्पीड यहाँ भी मिलती है और एनालॉग टाइप स्पीडोमीटर मिलता है इधर आपका एनालॉग टाइप जो है वो डिजिटल के रूप में टेकोमीटर मिल रहा है उसके अलावा अगर यहाँ से प्रेस करते हैं तो उसके बारे में बीच में एक स्क्रीन रखी गई जिसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशनस है जैसे ऊपर की तरफ फ्यूल के बारे में बता रहा है नीचे ड्राइव इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ रखे गए हैं ठीक है ये क्रूज से रिलेवेंट कंट्रोल्स हैं और यहाँ से आप एम से रिलेवेंट कंट्रोल्स हैं जैसे एक्यूमलेटड इंफार्मेशन दे रहा है उसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी ये बता रहा है ठीक है, है और ड्राइवर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ठीक है ये कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली मिलती है इसके अलावा अगर आप चेंज करते हैं मोड को तो आपको टायर प्रेशर देखने को मिलता है ड्राइव टू डिस्प्ले इसके अंदर और तो कोई नहीं है और लास्ट में आप सेटिंग कर सकते हैं जिसमें लाइट डोर कन्वीनियंस सर्विस इंटरवल और अदर फीचर रीसेट यानी कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं नीचे की तरफ टोटल ट्रिप बताता है कितनी चली है यहाँ पर टेम्परेचर दिखाता है और बहुत सारी वार्निंग लाइट के अलावा है जैसे अगर मैं इसका लाइट लाइटिंग चेंज करूँ तो कुछ कैसा हमें देखने को मिलेगा जैसे इल्यूमिनेशन है वन टच टर्न इंडिकेटर हैडलैम्प डि डिले ठीक है तो ये कुछ देखने को मिलता है तो ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही शानदार है आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर तो स्टेरिंग व्हील पे बात करने से पहले यहाँ पर चलते हैं ये इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एट इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है टच स्क्रीन के साथ ये है इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे मेन्यू के अंदर जाते हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है सेटिंग्स है मीडिया रेडियो है वॉइस मेमो है अब यहाँ से आप डायरेक्ट वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं और इससे मोड भी चेंज हो रहा है रेडियो मीडिया ऑफ ठीक है यहाँ से रेडियो मीडिया ऑन किया जा सकता है जैसे एफ हो गया अब इसको आप चेंज करेंगे और यहाँ से रेडियो मीडिया ऑफ देख सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ऑप्शंस भी मिलते हैं रेडियो के मीडिया के उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक को आगे पीछे करने के और सेटअप करने के ठीक है यहाँ से आप और थोड़ा बहुत कर सकते हैं ट्यून कर सकते हैं जो ट्यूनिंग का एफ मिलता है वो वाला अब आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर तो स्टेयरिंग व्हील हिंडई का हमेशा से ही टॉप क्लास रहा है बहुत ही ज़बरदस्त जो सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे है वो अब इसके स्टेयरिंग व्हील को और भी ज़्यादा नीचे से कोई भी फ्लैट बॉटम नहीं है पूरा स्टेयरिंग व्हील है ठीक है ऐसा ही आप और गाड़ियों में भी देखते हैं अब इधर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे आपके रिलेटेड हैं इस इंस्ट्रोमें जो मीडिया स्क्रीन है उससे रिलेवेंट जिसमें आपको ट्रैक आगे पीछे करना हो वॉल्यूम अप डाउन करना हो कॉल उठाना कॉल काटना वॉइस कमांड मोड चेंज करना यहाँ पर दो प्रकार के कंट्रोल्स हैं अगर आप आउटसाइड कंट्रोल्स की बात करते हैं तो क्रूज को सेट करने के लिए और इनसाइड की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो स्क्रीन है उसको सेट करने के हैं ठीक है यहाँ पर दोनों तरफ जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ पर फ्यूल की इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहा है तो ये है तो डिजिटल लेकिन इसको आप चेंज यहाँ से नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं गाड़ी के एयरवेंट्स के तो इसके अंदर ये लाइनिंग वाला जो सिस्टम है वो डोमिनेंट है फ्रंट में आप वहाँ से ले करके के अगर पूरा यहाँ तक ध्यान देते हैं तो जितने भी एयरवेंट्स हैं एक यहाँ पर रखा गया है बीच वाले वेंट्स हैं उन वेंट्स के बीच में जो है आपके हज़ार लैम्प्स का बटन रखा गया है और उधर आपका दूसरा एयरवेंट है नीचे की तरफ एसी यूनिट है जो डिजिटल टाइप है एसी यूनिट ठीक है यहाँ से एसी ऑन किया जा सकता है और एसी ऑफ का ऑप्शन यहाँ से मिलता है रियर वाइपर जो रियर वाइपर नहीं पीछे का जो डिफोगर है उसको ऑन करना हो फ्रंट का डिफोगिंग ऑन करना हो यहाँ से डायरेक्शन चेंज करनी हो जो एयर इनटेक और एयर आउटटेक की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना हो ऑटो पे डालना हो टेम्परेचर अगर आपको यहाँ से सेट करना हो जैसे लो पर रखा है हमने भी ठीक है यहाँ से फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करनी हो तो वो सारी आप काम कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके बारे में तो कोई वायरलेस चार्जिंग पैड तो है नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ हमें हाँ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का और वन ट वन ट्वेंटी वाट का सॉकेट मिलता है उसके अलावा यू एस भी मिलता है यू एस में भी, भी लाइटिंग आपको देखने को मिलती है तो अब बात करते हैं और भी जैसे यहाँ पर आप लाइटिंग के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं तो लाइटिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो अगर आप ऑटो पे ले जाते हैं यहाँ से तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है ठीक है जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं है इस साइड आपके टोटल वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वाइपर में ऑटो का ऑप्शन मिलता है आपको लो हाई करना है ऊपर नीचे करेंगे तो वाइपर स्टार्ट हो जाएंगे गाड़ी खड़ी है अभी उस हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए लाइट बात करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर जो लाइट है वो देखने को मिलती है प्रेस करने से तो ये ऑन नहीं हुई क्यों नहीं हुई हमें समझ नहीं आया देखिए लाइट ये ऑन हो गई है इस साइड की क्यों नहीं हुई साइड में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो हमें नहीं पता अभी ये ऑन नहीं हो रही है अब देखिए ओ आर वी एम आई आर वी एम पे आते हैं तो डे नाइट एडजस्टेबल आईआरबी में मिलता है मैनुअल टाइप ही आपको मैनुअली एडजस्ट ही करना पड़ेगा तो प्रीमियम के नाम पे कहीं कहीं आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीजें कुछ फीचर्स मिसिंग है ये ड्राइवर साइड का सनवाइजर है ठीक है ये पैसेंजर साइड का सनवाइजर है यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलता है लेकिन इस साइड कोई वैनिटी मिरर है नहीं ग्रैब हैंडल्स ड्राइवर को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर अवेलेबल है फ्रंट में लाइटिंग के अलावा आपको सेंटर में भी लैंप मिलता है जो पीछे वाले पैसेंजर के लिए ज़रूरी भी है और अगर बात करें तो यहाँ से आप सन होल्डर को खोल सकते हैं ये आपका सन होल्डर है और तो कुछ बचता ही नहीं है ऐसा कुछ जो इसके बारे में बात करनी चाहिए तो बात करते हैं अब बीच में आते हैं सिक्स स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसके अंदर सिक्स स्पीड है ठीक है अगर आपको रिवर्स इंगेज करना हो तो यहाँ पर बटन रखा गया है उस बटन को दबा करके आप रिवर्स को लगा सकते हैं रिवर्स को लगाते हैं तो कुछ कैमरा की क्वालिटी ऐसी आती है क्या ये स्टैटिक गाइडलाइंस है तो मैं स्टेरिंग को घुमाता हूँ स्टैटिक गाइडलाइंस नहीं है ये देखिए आप जैसे जैसे मैं स्टेरिंग को रोटेट कर रहा हूँ उस हिसाब से गाइडलाइंस भी रोटेट हो रही हैं ठीक है क्वालिटी आप देख पा रहे हैं ठीक ठाक है उतनी ज़्यादा हम नहीं कहेंगे और लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से भी बात करें तो अच्छी क्वालिटी है ठीक है चलिए तो ये था अब बात करते हैं गियर बॉक्स की तो गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है बिना क्लच भी मैं इजीली कर पा रहा हूँ अब आ जाते हैं यहाँ पर हैंडरेस्ट प्रीमियम नोब के साथ ये आपका जो है हैंडरेस्ट और हैंडरेस्ट के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट और स्टोरेज भी अच्छा खासा है यानी जिसके अंदर आप सामान इजीली रख पाएंगे एक स्लाइडिंग नहीं है तो ये फिक्स टाइप है और ऊपर से थोड़ा सा उतना सॉफ्ट भी नहीं है और सीटिंग की बात करते हैं आप जो इसके अंदर मुझे बैठते ही सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरी हाइट है छः फिट छः फिट के हिसाब से सीटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्पेस बचता ही नहीं है प्रॉपर इसने कवर किया हुआ है जैसा मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यानी कि दो तो बिलात से भी ज़्यादा बड़ी इसकी सीट है सीटिंग के मामले में तो ये हमेशा टॉप रही है ये इसका लॉक सॉरी जो आप डोर अनलॉक करेंगे बाहर की तरफ खोलेंगे वो वाला हैंडल इनसाइड डोर हैंडल और तो कुछ है नहीं चलिए पीछे वाली सीट पे चलते हैं वहाँ पर जा कर के बात करते हैं पीछे वाली सीट पर तो जितना आसान गाड़ी से निकलना है उतना ही आसान है गाड़ी के अंदर बैठना बैठने के लिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ झुकना पड़ता है लेकिन एक छः फिट के बंदे के हिसाब से गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है देखिए मैं एक छः फिट का हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आसानी से मेरे जैसे जो मेरी बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब के लगभग दो बंदे और भी बैठ सकते हैं तो उस हिसाब से गाड़ी में कोई कमी नहीं है स्पेस की और पीछे रिक्लाइन एंगल भी अच्छा खासा रखा गया है पीछे वाली सीट भी ज़बरदस्त है और थ्री पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलते प्रॉपर टू पॉइंट सीट बेल्ट है पीछे की तरफ पार्सल ट्रे है और पीछे वाली सीट सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट तो आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन इसको आप पूरा कर सकते हैं यानी कि ये जो बेंच फोल्डिंग है वो ऑप्शन आपको मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट में भी और क्या कुछ मिलता है रियर एसी वेंट मिलते हैं रियर एसी वेंट के अलावा नीचे की तरफ जो आपको यू चार्जिंग पोर्ट मिलता है स्पेस मिलता है छोटा सा जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं ड्राइवर साइड तो बैक पॉकेट आपको नहीं मिलती है और पैसेंजर साइड आपको एक बैक पॉकेट भी मिलती है जहाँ पर आप थोड़ा बहुत कुछ और सामान रख सकते हैं स्पीकर सिस्टम रखा गया है यहाँ पर एक लीटर की बोतल आसानी से रखी जा सकती है उसके अलावा विंडो अप डाउन करने का ऑप्शन और डोर को लॉक अनलॉक करने का आप कर सकते हैं यहाँ से एक डोर को भी लॉक अनलॉक इजीली कर पाएंगे उसके अलावा जो केबिन है वो आपको ऐसा कंजस्टेड नहीं लगेगा एरीनेस आसानी से गाड़ी के अंदर फुल है देखिए कितना बड़ा बड़ा विंडो लाइन दिया गया है जो मिरर्स है वो दिए गए हैं जिससे आपको गाड़ी के अंदर दम घुटने जैसी शिकायत नहीं होगी अगर किसी को होती है चलते हैं गाड़ी के बैक में और बैक में जा कर के बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं कैसा कुछ बूट स्पेस गाड़ी में देखने को मिलता है तो सबसे पहले गाड़ी के बैक से शुरुआत करते हैं बैक बहुत ही प्रीमियम रखा गया है गाड़ी के अंदर प्रीमियम फिनिशिंग रखी गई है ब्लैक पियानो फिनिश है जिसके ऊपर हिंडई का बड़ा सा लोगो है और जो क्रोम वाली लाइनिंग है वो पीछे टेल लाइट में भी प्रॉपर रखी गई है उसके अलावा सार्क फिन एंटीना है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और वाइपर तो आपको नहीं मिलता है लेकिन डी फोगर रियल डिफोगर मिल जाता है उसके अलावा गाड़ी को लुक देने के लिए यहाँ पर भी एक पियानो ब्लैक जो प्लास्टिक की सेप है वो भी है और तो आई ट्वेंटी की बेजिंग है स्पोर्ट्स की बेजिंग है लेकिन आप डीज़ल और पेट्रोल के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से या फिर पैनल खोल करके आगे से ही पता कर सकते हैं उसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलता है सवा नौ लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से सिर्फ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर होना वाजिब नहीं मनता है कम से कम चार तो होने ही चाहिए उसके अलावा कैमरा मिलता है क्वालिटी मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और पीछे जो रियर बम्पर हैं वो भी आपको पिया, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर उसके अलावा रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है गाड़ी का लुक ओवरऑल सभी को पसंद आने वाला है 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कि आप बटन प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी का बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा खुलेगा नहीं आपको खोलना यहां से बटन प्रेस करके ही पड़ेगा ठीक है तो वाइड ओपनिंग है जैसा आप देख पा रहे हैं ठीक है क्या कुछ तीन लीटर का बूट स्पेस है और ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे आपको देखने को मिलती है डीप अच्छा खासा है डीप जो है वो लगभग इतना सा है यानी कि आधा पौने फिट डीप है उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा और कुछ नहीं है यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं एलुमिनेसन वगैरह इसके जो बूट स्पेस है उसके अंदर एलुमिनेसन वगैरह नहीं है कोई भी पावर आउटलेट या पावर का सॉकेट भी नहीं है अगर आपको क्लोज करना हो तो यहाँ से आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं तो ये था आपके लिए हिंडई की तरफ से जो प्रीमियम आई ट्वेंटी आती है उसका एक कंप्लीट वॉक राउंड वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए मिलते एक और बेहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए हैवी नाइस डे